साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज पढ़ने वाले हैं अपन चैप्टर नंबर 16, गिविंग फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस। टॉपिक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इजी है, थोड़ा सा अपन ध्यान लाके पढ़ लेंगे तो इजी रहेगा। सबसे पहला सेक्शन है 227, गिविंग फॉल्स एविडेंस, जो किस ज़माने में था, 193 IPC। क्या कहता है कि हुएवर, जो कोई भी लीगली बाउंड बाय एन ओथ और बाय एन एक्सप्रेशन प्रोविजन ऑफ लॉ टू स्टेट द ट्रुथ, कि जो ओथ से या किसी भी कारण से जो लॉ में लिखे गए हैं उसको बाउंड करते हैं कि वो सच बोले, या वो लॉ किससे बाउंड है किसी ऐसे डिक्लेरेशन को देने के लिए किसी ऐसे सब्जेक्ट पर, अगर ऐसा स्टेटमेंट फॉल्स है या वो जानता है कि ये ट्रू नहीं है, हर संभव हर स्थिति में ये फॉल्स ही होगा, तो उस स्नैरियो में ये व्यक्ति जो है झूठे बयान दे रहा है, इसके लिए वो जिम्मेदार होगा। तो सेक्शन 227 BNS तब लागू होगा कि जब वो व्यक्ति जानते हुए या उसके पास कारण है विश्वास करने का कि ये स्टेटमेंट सच नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, इंटेंशनली ऐसा स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट में देता है, खासकर ऐसे अथॉरिटी के समक्ष जहाँ पर वो लीगली बाउंड है टू स्टेट दी ट्रुथ, या तो बाय ओथ और बाय अफर्मेशन, या बाय द वर्च्यू ऑफ एनी डिक्लेरेशन ऑफ दी लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बिंग, तो वहाँ पर वो व्यक्ति जिम्मेदार हो जाएगा। क्लियर है। अब आता है स्पष्टीकरण नंबर 1। अ स्टेटमेंट इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन वेदर इट इज़ वर्बल और अदरवाइज, भले ही आपका जो बयान है वो मौखिक भी है तब भी आप जो है जिम्मेदार होंगे। कई बार आप कोर्ट जाएंगे तो आप ये देखेंगे भाई कटघरे में विटनेस जो है खड़ा होता है, वो कोई बयान दे रहा होता है, तो वो जो बयान होते हैं उसको हम कहते हैं ओरल स्टेटमेंट। जब कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में होता है पेश, उसके द्वारा साइन गवाह के द्वारा, उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, तो भले वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या ओरल एविडेंस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात है फॉल्स स्टेटमेंट एज टू द बिलीव ऑफ पर्सन अटेस्टिंग इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, कि जो कोई व्यक्ति किसी डॉक्यूमेंट को अटैच कर रहा है, ये खासकर बात आ रही है विटनेस की, और उसको मालूम है कि इसका जो कंटेंट है वो फॉल्स है, तब भी वो इस प्रीव्यू में जो है वो कवर हो जाएगा। अ पर्सन मे बी गिल्टी ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस बाय स्टेटिंग दैट ही बिलीव्स अ थिंग विच ही डज नॉट बिलीव, एज वेल एज बाय स्टेटिंग दैट ही नोज अ थिंग विच ही डज नॉट नो। कुल मिला के ऐसे बयान देना जो बयान सच्चे नहीं है, या उन फैक्ट्स के बारे में जानकारी देना जिनकी जानकारी किसी व्यक्ति को नहीं है, बट वो जानकारी दे के सराय कि जैसे उसने उस केस को विटनेस किया है। उदाहरण के लिए मामला है जी, मान लीजिए एंटी करप्शन का, कोई गवाह कहता है कि मैंने कंसर्न व्यक्तियों को बात करते हुए सुना और देखा, जब वो कोर्ट में आ रहा है तो वो कहता है कि ना तो मैंने देखा ना सुना, तो ये दो स्टेटमेंट है एक ही फैक्ट को लेके, पहले तो कह रहा कि मैंने देखा और सुना, फिर कह रहा कि मैंने देखा और नहीं सुना, इट मेक्स द एंटायर केस अनरिलेबल। यू गॉट द पॉइंट ना। पर अगर वो आशयपूर्वक ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है कि मैंने नहीं देखा, क्लियर है, परंतु ये फैक्ट रिकॉर्ड पर कि उसे देखा है और उसने ऐसे बयान दिए हैं, बट जान में उसके क्या बयान दिया कि मैंने नहीं देखा, ऑब्जेक्ट क्या था, किसी आरोपी की हेल्प करना, तो ऐसा स्टेटमेंट जो है उसे जिम्मेदार बनाता है सेक्शन 227 BNS में, यदि वो लीगली बाउंड है ऐसे स्टेटमेंट को सही रूप से बयां करने में, पर वो जानता है कि जो कुछ बयां कर रहा है वो सही नहीं है और जो कुछ वो बयां कर रहा है वो किसी भी रूप में ठीक नहीं है, क्योंकि जो कुछ वो बयां कर चुका है वो उस स्थिति से मिसमैच हो रहा है, तो वहाँ पर जो केस है वो बनेगा 227 BNS में। क्लियर हो गया आपको। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसको हम देखते हैं, इसलिए अपन आराम से जो है पढ़ते हुए चल रहे हैं। ए इन सपोर्ट ऑफ जस्ट क्लेम विच बी हैज़ अगेंस्ट जेड फॉर 1000 रुपीज़, कि ए जो है किसी केस को सपोर्ट करते हुए है, ऐसा केस जो बी ने फाइल किया अगेंस्ट जेड और इसमें रिकवरी है 1000 की, वो बयान देता है ट्रायल में कि उसने हर्ट किया है, सुना है कि जेड ने एडमिट किया था कि वो बी को उसके पैसे दे देगा, जबकि ऐसे कोई बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ए जो है गिल्टी है सेक्शन 227 BNS में। ए जो है लीगली बाउंड है टू स्टेट द ट्रुथ, ये बात फैक्ट हो गया, वो स्टेट करता है कि वो सिग्नेचर जानता है, जबकि उसको कोई जानकारी उसके सिग्नेचर के बारे में नहीं है, परंतु वो जानबूझ के जो है झूठे बयान देता, तो वहाँ पर वो जिम्मेदार हो जाएगा। क्लियर है। ए जो है वो जानता है जनरल करेक्टर ऑफ कंसेंट जेड हैंड राइटिंग, वो स्टेट करता है कि मुझे इसकी हैंड राइटिंग मालूम है और ऐसा बयान जो है उसने दिया है गुड फेथ के अंदर, तो उसका स्टेटमेंट भले ही मियर बिलीव पे है, बट ये फैक्ट है कि भले ही वो नहीं जानता कि ये सिग्नेचर जेड का है या नहीं है, परंतु सच मानते हुए गुड फेथ में ये स्टेटमेंट दिया, जिस कारण ए जो है गिल्टी नहीं है, परंतु ये एग्जांपल जो है बिल्कुल बेकार यहाँ पर फिट होता है उस लाइट में। मैं आपको बात स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि देखो छोटी सी बात है कि आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया तो उससे आप बाउंड हो गए,
तो इसलिए स्टेटमेंट देने से पहले बहुत सोचा रहता है डिफेंस के पॉइंट पे कि स्टेटमेंट कैसे दी जाए ताकि अक्यूज़ की हेल्प भी हो जावे और नुकसान जो है खुद का भी नहीं हो। अब ये एग्जांपल पढ़ के अगर बयान देने पहुंच गए तो नहीं मरना तो मारे जाओगे। अब एक इसमें है एग्जांपल और कि ए बींग बाउंड बाय ओथ टू स्टेट ट्रुथ, कि ए बाउंड है बाय ओथ टू स्टेट ट्रुथ, वो जानता है कि जेड जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर था किसी दिन को, बट नॉट नोइंग किस कारण से। तो ए जो है अगर उस प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में वो बयान दे रहा है तो ही इज़ गिल्टी ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस। ए जो है एक ट्रांसलेटर है, ये सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में पेश करता है उन ट्रांसलेशंस की जो कि उसको सही रूप में पेश करने हैं, बिकॉज ही इज़ बाउंड बाय लॉ टू डू द प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। और जबकि ये गलत ट्रांसक्रिप्शन जो है पेश करता है तो ये गिल्टी है फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। क्लियर है? तो हमने भी कुछ एग्जांपल दिए जिसमें सी जो है वो डिफेंस के पक्ष में है, पर मैंने उसका भी आपको जो है दे दिया स्पष्टीकरण। तो कुल मिला के सेक्शन 227 BNS तब अप्लाई होगा कि जब कोई व्यक्ति बाउंड बाय लॉ है टू गिव द ट्रू डिक्लेरेशन, बाउंड बाय लॉ है टू गिव द प्रॉपर अफर्मेशन, बाउंड बाय लॉ है टू टेक ओथ, और ऐसे स्नैरियो में वो जो स्टेटमेंट दे रहा है चाहे वो ओरल है चाहे वो डॉक्यूमेंट्री है, वो स्टेटमेंट आराम से गलत है, उसमें जो फैक्ट है वो झूठे हैं और फॉल्स हैं, और उसके बाद रीजन टू बिलीव है कि ये फॉल्स है, देन ही वुड बी गिल्टी। क्लियर है? तो प्रोसिक्यूशन को इतने फैक्ट्स को जो है समर्थन देना पड़ेगा, अगर प्रोसिक्यूशन जो है समर्थन नहीं देगा तो वहाँ पर दिक्कत प्रोसिक्यूशन के लिए। दूसरी बात यह है कि यूजुअली प्रोसिक्यूशन कहाँ देखने को मिलते हैं, इन द केसेस जहाँ पर स्पेशल ऑफेंसेस है, जैसे मान लीजिए ऑफेंस है PCH का। कई बार पढ़ा होगा आपने अखबारों में कि जज ने आरोपी को बरी कर दिया, पर जिसने बयान पलटे जिस परिवादी ने उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई का आदेश कर दिया, तो वहाँ पर ये सेक्शन जो है कॉमनली जो है देखने को मिलेगा आपको। दूसरा है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस सेक्शन 228 BNS में, और इस पर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, Whoever cause any circumstances to exist or make any false entry in any book, कि जो कोई भी ऐसी फिल्म जी स्थितियाँ पैदा करता है जो कि एग्जिस्ट नहीं हो रही है, या कोई फॉल्स एंट्री करता है किसी बुक में किसी रिकॉर्ड में चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी हो, या कोई डॉक्यूमेंट जो है प्रिपेयर करता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है जिसमें कंटेंट है फॉल्स स्टेटमेंट, इंटेंडिंग दैट कि इन सर्कमस्टेंसेज या इन एंट्री के बेसिस पर जो कि पेश की जा रही है जुडिशियल प्रोसीडिंग में या किसी ऐसे प्रोसीडिंग में जो कि पेंडिंग है बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट, भले वो आर्बिट्रेटर हो, और ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ स्टेटमेंट एंट्रियाँ उसकी ओपिनियन को जो है चेंज कर पाएंगी रिगार्डिंग द टेकिंग ऑफ डिसीजन। तो इस सिनेरियो में अगर उसका डिसीजन जो है एरर हो गया ऐसे पॉइंट पर कि जहाँ पर आपने जो एविडेंस पेश करी है उससे उसको कन्फ्यूजन क्रिएट हो गए, तो वहाँ पर यह केस बनेगा फैब्रिकेशन ऑफ फॉल्स एविडेंस का। कुछ एग्जांपल लेते हैं फिर अपन समझेंगे डिफरेंस, फिर अपन यहाँ पर चैप्टर क्लोज करेंगे। ए पुट ज्वेल इनटू बॉक्स बिलोंगिंग टू जेड विद इंटेंशन दैट, कि जब भी इसका सर्च होगा तो ये ज्वेलरी जो है मिल जाएगी, तो इसने सिचुएशन को क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर कंसर्न ए जो है गिल्टी है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस का। ए मेक्स अ फॉल्स एंट्री इन द शॉप बुक फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट एज कॉरोबरेटिंग एविडेंस, तो ए जो है गिल्टी है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस का। ए विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग जेड टू बी कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी राइट अ लेटर इन इमिटेशन ऑफ जेड्स हैंड राइटिंग परपोर्टिंग टू बी एड्रेस टू बी इन अ कंप्लेंस इन सच कॉन्स्पिरेसी, और ये लेटर जो है पुलिस को मिलता है, उसके बेसिस में कार्रवाई होती है और बाद में मालूम पड़ता है कि लेटर जेड ने लिखा ही नहीं है, राइटिंग को किया गया फैब्रिकेट। तो यहाँ पर जो कंसर्न व्यक्ति है जो ऐसा कर रहा है वो जिम्मेदार होगा सेक्शन 228 BNS में। अब दोनों में क्या डिफरेंशिएशन करोगे आप भाई, सेक्शन 227 डिफाइन करता है गिविंग फॉल्स एविडेंस को और सेक्शन 228 जो है डिफाइन करता है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस को। ये तो हो गया एक बेसिक अंतर। दूसरा अंतर क्या है कि दोनों के मोडस जो है अलग अलग हैं। मोडस मींस जो काम गले वाला है वो है गिविंग फॉल्स एविडेंस में, जो काम हाथ वाला है वो है गिविंग फॉल्स एविडेंस में। इसको और स्पेसिफिक करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी बयान दे रहा है, ठीक है जी, तो वो लीगली बाउंड है बाय द ओथ और बाय द अफर्मेशन और बाय द लॉफुल डिक्लेरेशन की वो सच बोलेगा, पर वो क्या कह रहा है झूठ, ताकि वो किसी क्लेम को सपोर्ट कर ले। क्लियर है? तो वहाँ पर वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा गिविंग फॉल्स एविडेंस के अंदर। इसके अलावा उसने कोई लिखित में स्टेटमेंट दे दी है पुलिस को और उसके ऊपर साइन कर दिया, तो वहाँ पर भी वो जिम्मेदार होगा फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। क्लियर है? जैसे मेमोज तैयार करना, पुलिस जो मौका फर्द कार्रवाई करती है मौके पर स्टेटमेंट लेती है, अगर उसमें झूठे बयान हैं या फॉल्स कॉन्टेंशन हैं तो इट इज़ अ केस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस। फैब्रिकेटिंग में क्या कि उसमें कोई भी रोल जो है अथॉरिटी का नहीं है, सारा खेल जो है आपका है कि आपने कोई स्थितियाँ पैदा कर दी या कोई रिकॉर्ड जो है जनरेट कर दिया जिसके आधार पर आप किसी प्रोसीडिंग से बच के निकल जाए। क्लियर है? तो ये है फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस का केस। क्लियर है? तो गिविंग में तो क्या होता है कि किसी को फंसा सकते हैं,
पर फैब्रिकेटिंग में खुद को बचाना है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फैब्रिकेशन में बेसिकली एक सारा खेल है दिमाग का, आपका किससे पंगा हो गया, आप चाहते उसको फंसाने के लिए, तो आपने क्या करा कि उसके घर में जो है पैसा रखवा दिए या रखवा दी ज्वेलरी, उसको इम्प्लांट कर दिया केस को, तो इट इज़ अ केस ऑफ फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। इसको हम और इजीली समझते हैं इन कॉन्टेक्स्ट पे द एंटी करप्शन केस। जैसे मान लीजिए परिवादी है, उसको फंसाना है कंसेंट आरोपी को, तो उसने क्या करा पैसे रख दिए दराज के नीचे, तो उसने क्या कर दिया पैसों को कर दिया फैब्रिकेट, कि जब भी ट्रैप होगा पुलिस पूछेगी तो आरोपी मना करेगा, गुस्सा करेंगे आरोपी के पुलिस वाले, और अल्टीमेटली वो बताएगा परिवादी कि भाई पैसे मैंने यहाँ रखे, पैसे रिकवर हो जाएंगे और कनेक्ट कर लेंगे उसको क्राइम से आरोपी को, तो ये केस है फैब्रिकेटिंग का। उसके बाद फिर वो झूठे स्टेटमेंट दे रहा कि इसे मांगे थे और मैंने मांग के अनुक्रम में इसको पैसे जो है दे दिए, और इसने कहा तो टेबल के नीचे मैंने मार रख दिए, तो ये पहला वाला जो पार्ट है वो तो है फैब्रिकेटिंग का, और सेकंड वाला जो पार्ट है वो है गिविंग फॉल्स एविडेंस का। तो ये बेसिकली दोनों सेक्शंस में जो है अंतर है, क्लियर हो गया। अब आते हैं अपन लास्ट, इसका जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है उसमें है पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, वो क्या है उसको अपन देख लेते हैं, कि जो कोई भी इंटेंशली फॉल्स एविडेंस देगा किसी भी स्टेज में जुडिशियल प्रोसीडिंग की, या फैब्रिकेट करेगा फॉल्स एविडेंस को फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग यूज्ड एट एनी स्टेज इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसे पनिशमेंट कितना है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, वहाँ पर फाइन भी होगा 10,000 रुपये का। क्लियर हो गया आपको, 229 में साफ लिखा हुआ है। और हुएवर इंटेंशनली गिव और फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस इन एनी केस अदर देन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1, कि जो केसेस दिए हुए हैं उन केसेस को छोड़ के, तो वहाँ पर वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा, कारावास से इसका एक्सटेंड 3 ईयर, और वहाँ पर फाइन भी होगा 5,000 रुपये। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करें क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2 के अंदर, दोनों का मॉडल सेम है, लैंग्वेज सेम है, पर एक जगह पर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अगर वो एविडेंस यूज़ हो रही है जुडिशियल प्रोसीडिंग में, क्लियर है, तो ये केस है क्लॉज नंबर 1 का, और अगर वो यूज़ हो रही है बिफोर आर्बिट्रेटर या कहीं और, मतलब पुलिस में यूज़ हो रही है, तो ये केस है क्लॉज नंबर 2 का। बस यही दोनों में जो है डिफ्रेंशिएशन है, उसे पनिशमेंट 7 साल का, इसे पनिशमेंट जो है 3 साल का है। अब यहाँ पर दो स्पष्टीकरण है, ट्रायल बिफोर कोर्ट मार्शल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये स्पष्टीकरण आ गया। अगर कोर्ट मार्शल है तो वो क्लॉज नंबर 1 में कवर होगा, क्लॉज नंबर 2 में कवर नहीं होगा, ये स्पष्ट कर दिया पार्लियामेंट ने। इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय लॉ प्रिलिमिनरी टू अ प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट इज अ स्टेट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ऑल दैट इन्वेस्टिगेशन नॉट टेक प्लेस बिफोर कोर्ट। आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा 202 CRPC का, नहीं पढ़ा तो जाके पहले पढ़ लेते हैं उसको आप। पहले जो कानून था CRPC, उसमें एक प्रोविज़न था, उसमें कोर्ट जो है जांच के लिए भेज देगा पुलिस को। अगर कोर्ट ने कोई प्रोसीडिंग जांच के लिए भेजी है पुलिस को, तो इट इज़ ऑल्सो जुडिशियल प्रोसीडिंग, भले बिफोर कोर्ट नहीं हो रही, बट उसमें कोई बयान आप देंगे या कोई स्टेटमेंट देंगे तो क्लॉज नंबर 1 में कवर होगा, क्लॉज नंबर 2 में वो कवर नहीं होगा। बस ये अंतर जो है आपको समझना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, एन इंक्वायरी बिफोर मजिस्ट्रेट इज टेकन प्लेस, और फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग कि जेड का रोल है या नहीं है, वो कोर्ट जो है ए को बुलाता है और ए जो है उस प्रोसीडिंग में झूठे बयान देता है, तो ये प्रोसीडिंग क्या है बिफोर कोर्ट, जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो ए जो है गिल्टी है फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। क्लियर है। अब कोई ना कोई ऐसी स्थितियाँ पैदा करता ए जिससे जेड का होता प्रोसिक्यूशन, तो वहाँ पर वो फैब्रिकेशन का केस बनता। मतलब थिन लाइन बॉर्डर है, उसमें डेफिनेशन करना आपको आना चाहिए। एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय कोर्ट अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कंडक्टेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। इन्वेस्टिगेशन भले ही कोर्ट के सामने नहीं है, बट जिस पर कोर्ट की निगाह है जिस इन्वेस्टिगेशन में, वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग का पार्ट है। ठीक है, कोई इंक्वायरी है, कोर्ट ने हैंड ओवर कर दी किसी पॉइंट पर किसी अथॉरिटी को, वो जांच कर रहे हैं, भले वो बिफोर कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं है, पर तब भी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है मानी जाएगी। और जब कोई व्यक्ति इन प्रोसीडिंग में झूठे बयान देगा, तो वहाँ पर सेक्शन 229 सब क्लॉज 1 BNS का जो है लागू हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको, अब तो कोई दिक्कत ही ना। चलो ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे 230, और कोई दिक्कत हो भाई लिख देना कमेंट बॉक्स में, इसको अपन जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, टिल देन जय हिंद जय भारत।